Press the bell icon for all updates from Khabri Hindustan. फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत तमिलनाडु के कोयंबटूर में स्थित साधु गुरु के ईशा फाउंडेशन में पहुंची थी, जहां पर उन्होंने शिव शंकर का जलाभिषेक किया। यह कंगना रनौत की आध्यात्मिक यात्रा के तहत है। इस मौके पर कंगना ने शिव शंकर भगवान की मूर्ति के साथ कई तस्वीरें खींची। इसके अलावा उन्होंने शंकर भगवान के दर्शन भी किए और वहां पूजा अर्चना भी की। कंगना रनौत ने आदिशक्ति आश्रम में शिवलिंग पर जलाभिषेक भी किया और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर की। इस मौके पर कंगना के चेहरे पर भक्ति भाव के क्षण को महसूस किया जा सकता है। इसे इस प्रकार देखा जा सकता है कि एक भक्त अपने भगवान से मिल रहा है। फोटो में देख सकते हैं कि शिवलिंग के आसपास 5 नाग हैं। इस यात्रा को लेकर कंगना की टीम ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करते हुए लिखा कि कंगना रनौत ने आदिशक्ति आश्रम में भक्ति भाव में लीन होकर ईशा फाउंडेशन के साथ समय बिताया। इस अवसर पर वह भक्ति भावनाओं में पूर्ण लीन नजर आई। एक दूसरी फोटो में कंगना रनौत एक बहुत बड़े शिवलिंग के आगे बैठकर ध्यान में लीन नजर आ रही है। फिल्मों की बात करें तो कंगना इन दिनों अपनी अगली फिल्म मणिकर्णिका की शूटिंग में व्यस्त है। इसके अलावा फिल्म मेंटल है क्या में भी नजर आएगी। अपकमिंग फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी का टीजर 15 अगस्त को रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म में कंगना रनौत रानी लक्ष्मीबाई का कैरेक्टर प्ले करेगी। आपको बता दें, इस फिल्म का स्क्रीन प्ले बाहुबली के राइटर विजेंद्र प्रसाद ने लिखा। उन्हें लक्ष्मीबाई का सब्जेक्ट लार्जर देन लाइफ लगा। दूसरी वजह यह भी थी कि इसे बाहुबली की स्केल पर बनाना था। मणिकर्णिका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित है।